गाइस मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ काले चने, और मुझे कल काले चने बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने ये एक कटोरे के आसपास ले लिया था, अभी मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। इसमें मुझे पानी डाल देना है, और पानी इतना डालना है ताकि जो छोले हैं हमारे वो खूब अच्छी तरह से भीग जाएं, और कम से कम 3 इंच तक पानी ऊपर रहे ताकि ये फूलकर आराम से पानी पिवस्त हो जाए इनका। और इसमें पानी कम नहीं डालते हैं, जैसे आप देख रहे हो मैं दिखा रही हूँ इस तरह के हैं ये इस टाइम, और कल फूलने के बाद देखना। तो अब हो गई है सुबह, अभी मैं दिखाऊँगी आपको ये फूल कर हो गए हैं कितने अच्छे, जैसे आप देख रहे हो कितने अच्छे हो गए हैं ये कर। तो बस मैंने इसमें काफ़ी अच्छा पानी डाला था तो इसीलिए ये फूल गए हैं। 5 सीटियां मैं इसके अंदर लगा दूंगी। तो चलिए बस मैंने अब कुकर के अंदर इस छोलों को डालना शुरू कर दिया है, और बस मैं सारे इस तरह से डाल लूँगी। डालने के बाद मुझे फिर वैसे ही इसके अंदर पानी लेना है जैसे कि हमने भिगोते टाइम लिया था। बस इतना है कि उतना नहीं लेना है जितना भिगोते टाइम लेते हैं, थोड़ा कम लेते हैं, वरना ये कुकर से बाहर पानी निकलने लगता है। तो बस मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर पानी, और पानी बस मुझे इसके अंदर 2 इंच के आसपास ही डालना है, 2 इंच डालना है, आसपास नहीं 2 इंच ही डालना है। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक, ताकि जो भी उबलते टाइम नमक जो है छोलों के अंदर अच्छी तरह से गुब जाए। अब मैंने लगा ली हैं यहाँ पे 5 सीटियाँ। अभी मैं इसको खोलकर देखती हूँ कि कैसे हुए हैं, गले हैं या नहीं। वैसे तो गल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अब हम चेक कर लेते हैं कि गल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर बस मैं चेक करने लगी थी और ये काफ़ी गर्म हो रहे थे, तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से गल गए हैं, और मुझे ज़्यादा गले गले अच्छे लगते हैं। मुझे ना छोले ज़्यादा टाइट पसंद नहीं हैं, तो मुझे ज़्यादा गले गले पसंद हैं इसीलिए। और अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ा कुंडा लिया है और यहाँ पे सारे छोलों को निकाल लिया है ताकि अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाएं, और जो इसमें पानी बचा है अभी पानी है इसके अंदर, और वो मैं बाद में निकाल दूँ। अभी मैंने यहाँ पर रख ली है कढ़ाई, और ये सब चीज़ें कटिंग कर रख ली हैं, टमाटर प्याज सब कटिंग कर रख लिया है। छोले भी अब ठंडे हो चुके थे, और यहाँ पे हमारा जो है तेल गरम होने लगा था, अभी पूरी तरीके से गरम नहीं हुआ था। और बस मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, बड़े साइज़ की प्याज ली है, आधी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है। अभी यहाँ पर ले लूँगी मैं हल्दी पाउडर, और मैं ये बड़े चम्मच से यूज़ कर रही हूँ। धनिया पाउडर लूँगी मैं यहाँ पे 2 बार, क्योंकि मुझे कम लग रहा था तो मैंने 2 बार डाला था। पूरा फुल भरकर ये वाला चम्मच डाल देना है। अभी यहाँ पे ली है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा बड़ा वाला चम्मच है तो इसलिए नज़र नहीं आया। और गाइस नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो है तेल गर्म हो चुका था, यहाँ पर मैंने प्याज जो कटिंग कर रखी थी वो अभी इसके अंदर डाल दी है, टमाटर भी 1-2 चला गया है इसके अंदर, और अभी मैंने ज़ीरा डाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये मेरी प्याज हो चुकी है, और जो मैंने मसाला बनाकर रखा था वो सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से इसको चला लूँगी ताकि ये हमारा मसाला जो है लग नहीं जाए, ठीक है। और उसको चलाते रहना है ताकि ये जितना भी मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो खंगालन होती है ना वो डाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से और चलाऊंगी, चलाते ही रहना है, भूनते रहना है मीडियम आंच पर, और जब तक ये भुन जाए हमारा इसकी जो हरांद है मसाले की वो ना निकल जाए, तब तक हमें इसके अंदर छोले नहीं डालने हैं। और बस अभी ये मेरा देखो कितना अच्छा कलर हो चुका है, अभी यहाँ पे बिल्कुल फाइनल टचअप आ चुका है मसाले का। अभी हम इसके अंदर छोले डालेंगे, अब बिल्कुल ये रेडी है मसाला छोले डालने के लिए। तो यहाँ पे सारे छोले मैं इसके अंदर मसाले में डाल दूँगी, और छोले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है, और इतना चलाना है ये लग नहीं जाए। वैसे तो ये नॉनस्टिक कढ़ाई है, लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं उसमें ध्यान रखना होता है। मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है और इसको निचोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और आधा नींबू मुझे बाद के लिए रख लेना है, अगर खटाई थोड़ी कम लगेगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी नींबू डालने के बाद मुझे इसको फिर से चलाना है, और चलाने के बाद अभी मैं गार्निशिंग कर लूँगी जो मैंने आधी प्याज और आधा टमाटर बचा कर रखा था उससे। तो बस मैंने यहाँ पर सब गार्निश कर लिया है जैसे आप देख पा रहे हो, और
अभी गाइस मुझे इसके अंदर फ्रूट चाट मसाला और ऐड करना है। अभी मैं उसके अंदर ऐड करूँगी। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया है। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक हम दो बार इसके अंदर डाल चुके हैं और इसके अंदर भी मसाले में नमक होता है, तो ध्यान से प्लीज़ डालिएगा। और मैं कढ़ी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, आई बटन में मैं नहीं दे पाऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा, मैंने अच्छी तरह डीपली वहाँ पे कढ़ी बता रखी है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बस ये आपको मैं फ़ाइनल टचअप दिखा रही हूँ और टाइम कम था, वरना मैं इस बार भी आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर देती, लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। यहाँ पे गाइस 5 मिनट थे रोज़ा होने में और ये दुआ मांगने लगे थे और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। 5 मिनट बाकी थे वीडियो बनाने के बाद, फिर मैंने भी दुआ मांगी और सब लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो इसीलिए बस अभी यहाँ पे ये बच्चे जो विस्पर चैलेंज खेल रहे हैं, विस्पर चैलेंज ये होता है हाई वॉल्यूम पे सॉन्ग सुनते हैं और दूसरे वाले इंसान को कुछ भी वर्ड गैस करना होता है। जैसे इन्होंने बोला कि मेरे मुंह में ज़ीरा, इस तरह के ये वर्ड बोलने होते हैं क्योंकि ये हाई वॉल्यूम पर है तो इनको आवाज़ नहीं आ रही होगी। आप लोग अब सुन लीजिए। बोलो मेरे मुंह में जीरा। क्या समझ में नहीं आ रहा? मेरे मुंह में जीरा। मेरे मुंह में क्या? मेरे मुंह में मेरे 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 मुंह में जीरा। ईरा मेरे मुंह में जीरा। खीरा मेरे मुंह में जीरा। मेरे मुंह में खीरा। मेरे मुंह में जीरा। मेरे मुंह में खीरा। मेरे मुंह में जीरा जीरा जीरा। मेरे मुंह में जीरा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं जीरा खाता हूँ। अरे मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल गाइस 10 सेकंड्स बचे हैं, चलो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 फुटबॉल खेलता हूं। हां मैं फुटबॉल खेलता हूं। ये 4 3 ये मैं जीत गई। ये मैं जीत गई। हाँ जी, आज छोले तो बड़े मस्त बनाए भाई, जायका बहुत जायकेदार बनाए थे, मजा आ गया भाई छोले खाने में। थैंक यू। देखा कितने अच्छे, वाकई में अच्छे लग रहे हैं। बहुत जायकेदार ऐसा लग रहा है जैसे होटल के बने हुए छोले। हाय सच में वाकई आज तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से बनाए थे ना। हाँ बहुत तरीके से, कड़ी में भी मजा आ गया, कड़ी भी बहुत जायकेदार बनाई और मैंने शेयर भी की है। देखते हैं इन लोगों को पसंद आती है या नहीं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। अभी आपके हस्बैंड को पसंद आने वाली है या नहीं ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह से मैंने अपनी स्टाइल में बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, और मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है और अच्छे से समझाया है। आप लोगों को समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। फुलकी तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रही थी। सॉफ्ट हो रही थी ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रही थी, मजा आ गया खाने में। अरे जो बेसन होता है ना, मैंने दूसरी तरीके से फेटा था, वो बेसन इस तरह से फेटो ना तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और वो लेकिन मैं नहीं शेयर कर पाई, कड़ी शेयर नहीं कर। शेयर कर दो इनको भी, ये भी देखेंगे मजा लेंगे। अरे कड़ी बनवाए घर में खाने के लिए। कड़ी ना मैंने मतलब पहले शेयर कर रखी थी, इस बार की नहीं की, और आपको पता ही है रोजे में टाइम कम होता है और आज मुझे थकान भी कुछ ज्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा एक ही चीज शेयर कर देती हूँ, जो काले वाले चने हैं बस वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और कढ़ी नहीं शेयर की थी, बस ऐसे ही बाद में फाइनल टचअप पे आप लोगों को दिखा दी। और अगर आप बोलोगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी दोबारा से, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक चीज ये बताओ मुझे, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो अपने चैनल पे, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी डाल रहे हो और इतनी इतनी टेस्टी डिशे बना के डाल रहे हो, तो इसमें मेहनत भी लग रही है, तो इस तरीके से लोगों के रिव्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मतलब लोग आपका जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, या मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके चैनल को आगे बढ़ने में?
किस तरीके की दिक्कत तो पेश नहीं आ रही? नहीं नहीं माशाल्लाह मुझे देख भी बहुत ज्यादा लोग रहे हैं, मेरे व्यूज भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी मुझे आ रहे हैं और डिसलाइक भी मुझे आ रहे हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जिस हिसाब से जिस स्पीड से मेरा चैनल बढ़ना चाहिए, व्यूज आने चाहिए, उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से मुझे इतने महीने हो गए, 4 महीने एटलीस्ट मुझे हो चुके हैं, उस हिसाब से मेरे व्यूज कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो सब स्ट्रगल होता रहता है लाइफ में, जो भी आदमी काम करता है उसमें स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। तो लोग पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं तो डिसलाइक भी करते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं वो तो खैर कोई बात नहीं है, ये तो किसी भी इंसान की वीडियो देखने के ऊपर है, उस चीज हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है ये जरूरी नहीं है, जो चीज हमें पसंद है सामने वाले को भी वही पसंद। हाँ है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो डिसलाइक का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना है वीडियो देखने के बाद अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो वो चीज समझ में आती है, लेकिन आप बिना देखे डिसलाइक कर रहे हो ये चीज गलत है ना। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, पब्लिक है, पब्लिक में जो है सभी तरीके के लोग होते हैं, डिसलाइक करने वाले भी होते हैं, लाइक करने वाले भी होते हैं, लेकिन मेन जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि तुम्हारा चैनल जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, पब्लिक देख रही है, लाइक भी कर रही है, शेयर भी कर रही है, ये चीज तो है, ये चीज तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो डोंट वरी, उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। परेशान तो नहीं हो रही हूँ, बस ये है कि थोड़े से और ज्यादा व्यूज बढ़ जाते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, अपने फ्रेंड्स के साथ लोग शेयर करते, शेयर थोड़ा कम कर रहे हैं, बस मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज तुमको बताना चाहता हूँ, एक टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ। तुम ना मोस्ट प्रोबली ना मतलब मुगलई डिश हुई और जो नॉन वेज डिश हुई, हाँ। और जिस तरीके से लोग पिज्जा वगैरह है इस टाइप का आइटम खाना पसंद करते हैं, चाइनीज फूड हुआ, इस टाइप की डिशेज ज्यादा डालोगी तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा लाइक करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल का जो यंग है ना वो इसी तरीके के फास्ट फूड डिशेज ज्यादा पसंद करता है। नहीं वो तो बात आपकी सही है, लॉकडाउन में भी ये चीजें कहाँ से करूं, ये भी तो है ना, लॉकडाउन जैसे खुलेगा इंशाल्लाह लॉकडाउन में बनाओगी तो जब तो लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तुम्हारा वीडियो देख के बनाएंगे घर में, बना के खाएंगे। चलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश जरूर करूंगी, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप डिसलाइक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग डिसलाइक कीजिए अगर आपको नहीं पसंद आती है तो। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मैं डेली एक ही बात बोलती हूँ और शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ लोग इस बात से मेरी बोर भी हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है व्यूज की और सब्सक्राइबर की, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, बाय बाय।